चैनी चमार और लेकिन पत्थर की लकीर बदल सकती है, हाथ की रेखा मिट सकती है। बंधुओं, माली समाज में, कुशवा समाज में वो ताकत है चाहे अपना भविष्य। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे करवट निवेदन करूंगा कि आप सब एक साथ बैठकर, आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ लगाइए, दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, और चल नहीं सकते तो आप रहेंगे। लेकिन बंधु, आगे बढ़ते चले जाओ, हमारी सफलता अवश्य मिलेगी, आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। जितना हमारा संघर्ष बड़ा होगा उतना ही हमारा परिणाम अच्छा होगा। इसलिए बंधु, कार मत होना, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में दम होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए बंधु, आप सबसे करवट निवेदन है कि जितना भी हम बाहर से दूर दराज से पधारे हैं, वे सब लोग एक मंत्र होकर के और सब समाज कंधे से कंधा मिला करके आप हम सब एक मतलब बलिदान योग पर आ चुके हैं। एक योगदान है, ऐसा सुनहरी समय आ गया है जो आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए समाज बंधु, शक्ति और भक्ति माता बहनों ने हमारे साथ कितना तन मन धन से समर्पण कर रखा है और जीव दान हाजिर कर रखा है। तो बंधु, निश्चित हमें आरक्षण मिलेगा मिलेगा, और जब तक 12% आरक्षण सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हम जगह को छोड़ने वाले नहीं है। बंधु बंधु, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरा से डरकर नौका पार नहीं होती। इसलिए बंधु, मेहनत एक बहुत बड़ी अच्छी कुंजी है, आप उसका अनुकरण करते रहिए और सफलता ईश्वर के हाथ में है। बंधु, लोग कहते हैं कि शेर जंगलों में रहते हैं, अरे शेर जैसा दिल रखकर देखो, हर घर में शेर के बच्चे पैदा हो गए। इसलिए बंधु, आप सबसे मेरा यही करवट निवेदन है कि एकजुट होकर के आवाज को हमको जयपुर नहीं दिल्ली तक पहुंचानी है। हमें हटना नहीं है, रुकना नहीं है। मैं आप सबसे बार बार यही निवेदन करूंगा। समय का देखते हुए मैं रामसाह सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष सैनी समाज, जिला करौली, गांव बरदारा, तहसील नांदोती, आप सबको हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सैनी समाज, सैनी समाज, हम क्या आए हैं यहाँ, हम क्या आए हैं, माली समाज, जय हिंद जय भारत।